एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बिनोली में स्थित बामनोली गांव पड़ा। लगभग 11,000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 9 किलोमीटर ही है। ग्रामवासियों ने वर्तमान में दिलीप तोमर को अपना प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, जिस जिम्मेदारी को वर्तमान प्रधान द्वारा अच्छी तरह से निभाया जा रहा है। लगभग 9200 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गाँव में लगभग 800 राशन कार्ड धारक है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 275 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 800 विद्युत पोल, 15 विद्युत ट्रांसफार्मर, 44 स्ट्रीट लाइट व 41 सोलर लाइटें भी लगी हुई हैं, तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 200 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 50 नल रिबोर कराए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 8 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला व 45 सीसी रोड एवं सीसी टाइल्स रोड का निर्माण भी कराया है, तथा वर्तमान प्रधान ने अपनी देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 452 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में एबीपीएस न्यूज टीम से बात कर पानी की टंकी, स्वास्थ्य केंद्र, खेल का मैदान, जूनियर हाई स्कूल, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान बीरेश तोमर, गांव बामनोली, ब्लॉक बिनोली, थाना डोगट, जिला बागपत। मैं अपने गांव में जो कार्य कराए लगभग 30 सीसी रोड बनवाई, 15 इंटरलॉकिंग कार्य कराए, 8 घड़ोंचे रिपेयर कराए, गांव में 452 शौचालय बने, पूरे गांव की एक साल में 2-3 बार लगभग पूरे गांव की सफाई करवाई, जो नल खराब पड़े थे उनकी रिपेयरिंग करवाई, और जो गांव को आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है टंकी के पानी की। वो इसलिए कि हमारा गांव कृष्णा नदी के पास है, कृष्णा नदी का पानी बहुत जहरीला हो चुका है, जिससे पूरे गांव में कई लोग कैंसर से, हार्ट अटैक से और घातक बीमारी से मर चुके हैं। और टंकी का पानी का बोर जो है वो लगभग 650 फुट गहरा है, लेकिन टंकी का कार्य 2 साल से चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है, पेंडिंग पड़ा है, ठेकेदार लापरवाही कर रहा है, और प्रशासनिक अधिकारी से बार बार कहने पर, जल निगम से बार बार कहने पर, ठेकेदार से बार बार कहने पर भी टंकी और पाइपलाइन का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। और गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, जिससे गरीब व्यक्ति अपना इलाज करा सके, और एक किसान सोसाइटी की आवश्यकता है, जिससे किसान को कहीं बाहर धक्के ना खाने पड़े, अपना जो कृषि का सामान है, सामग्री है, उर्वरक है, मेडिकल दवाइयां है, वे यहीं से मिल सके। और एक जूनियर हाई स्कूल की आवश्यकता है, जिससे हमारी बेटियां कहीं बाहर पढ़ने ना जा सके, उसे पढ़ने के लिए उनको जूनियर हाई स्कूल की आवश्यकता है। और एक जो हमारे गांव को कृष्णा नदी से जोड़ता है, लगभग 600 मीटर लंबा नाला जो गंदगी भरा रहता है, कच्चा है, उसे पक्के बनवाने की आवश्यकता है। गांव में लगभग 41 सोलर लाइट और 44 स्ट्रीट लाइट लगवाई, जिनसे रात रात को गांव में रोशनी रहती है। और एक गांव में बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में जो गरीब, वृद्धा, विधवा, विकलांग, पेंशन आती है, उनकी संख्या बहुत कम है और मांग ज़्यादा है, फार्म भर के मुख्यालय पर जमा किए हुए हैं, लेकिन एक साल से अभी तक नई पेंशन नहीं आई है, पुरानी भी आए दिन कटती रहती है, पता नहीं किस तरह कट जा। गरीब आदमी 500-600 रुपये लगा के एक फार्म भरे,
और उसे अगर पेंशन ना मिले तो बहुत बड़ा दुख होता है। और एक ये जरूरी है कि जो हमारी 15-16 में एक साल की कार्य योजना एक बार बनकर स्वीकृत हो जाती थी, 17-18 में ये नियम बदल दिया गया कि हर एक इंस्ट्रूमेंट मुख्यालय जाकर स्वीकृत होगा। इससे बहुत बड़ी दिक्कत आती है कार्य कराने में। दो इंस्ट्रूमेंट हमारे मुख्यालय पड़े रहते हैं एक महीने तक, लेकिन स्वीकृत नहीं होकर आते। एक साल की कार्य योजना एक बार ही स्वीकृत होनी चाहिए। और हमारा गांव लगभग 12,000 आबादी का गांव है, जिसमें केवल एक बुजुर्ग सफाई कर्मी है, जबकि कम से कम दो सफाई कर्मी इतनी बड़ी आबादी वाले गांव में होने जरूरी है, होने चाहिए। और एक गांव पे एक सचिव होना चाहिए जो नियम अनुसार है, एक जेई होना चाहिए जो नियम अनुसार है। अब एक ब्लॉक में 5 जेई है, दो दो तीन तीन नाई पंचायत पे एक जेई है, दो दो नाई पंचायत पे एक सचिव है जो हमारी गांव की समस्या को सुचारू रूप से नहीं चला पाते, समझ पाते, कर पाते। उनकी मजबूरी है, कहीं कहीं गांव उन पर है, जबकि एक ही गांव पे एक सचिव और एक जेई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, प्रधान भी एक प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि के रूप में प्रधान से ही शुरू होती है। तो प्रधान के खिलाफ अगर कोई झूठी शिकायत करे तो उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। और प्रधान को प्राथमिकता में एक शस्त्र लाइसेंस दिया जाना चाहिए। हमारी राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग है कि गांव में विकास कराने के लिए, गांव में काम कराने के लिए कार्य बहुत ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा पैसा कम आता है, तो आपसे अनुरोध है कि इस राशि को बढ़ाया जाए।